नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो कक्षा 9वीं की हम लोग विज्ञान देख रहे थे, तो ये कक्षा 9वीं की लास्ट बुक है। इसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं की बुक्स देखेंगे। तो इसमें एक एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। आप सोचें बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ उखड़ जाए, तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ समय रहते हुए इसे कवर कर लें, इन सभी बुक्स को। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की बुक्स जो है आप, वो तो सभी को पढ़ना है, फिर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। लेकिन अगर कक्षा 6वीं से पढ़ लें अब, तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए, बेहतर रहेगा। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या फिर जूस शुद्ध है? शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, तो रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल वसा प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सीधा सा कहने का मतलब है आपका कि आपके लिए दूध शुद्ध है, घी शुद्ध है कि नहीं। इसमें मतलब शुद्धता देखते हैं आपकी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए शुद्ध नहीं होता है। उनके लिए वही पदार्थ शुद्ध होता है जो एक पदार्थ का एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। ठीक है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज मिट्टी आदि सभी मिश्रण इसमें पाए जाते हैं। आखिर मिश्रण, ये हर बार शब्द यूज हो रहा है, तो ये आखिर है क्या ये मिश्रण शब्द? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या फिर आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। ये पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं तभी वो मिश्रण बन जाता है। समझ में आया? मिश्रण के अगर हम लोग प्रकारों की बात करें, यानी कि टाइप कितने तरह के होते हैं, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। चलिए इसे क्रियाकलाप 2.1 के साथ हम लोग समझते हैं। कक्षा को आवासा 10 समूहों में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 एमएल जल और एक चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण को समूह आ को दें। समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह सा और दा को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या फिर विलयन कहते हैं, क्योंकि एक ही तरह के पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। इस तरह की मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है,
लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और दा ने दो मिश्र जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण की विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर और जल और तेल, ये सभी विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण है आपके। फिर बात करते हैं क्रियाकलाप 2.2 को। याद रखिए आपको इन्हें पढ़ना है और निकल जाना है, आपको प्रयोगशाला में करते हुए नहीं बैठ जाना है, ठीक है। आइए पुनः कक्षा को चार समूहों में बांटते हैं, आ वा सा उद्दा। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दें। समूह आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह बा को एक चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह सा को चौक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा दें। समूह दा को दूध या फिर स्याही की कुछ बूंद दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कड़ जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरणों किरण को बीकर पर डालें और इसमें इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है? कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पथ पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक निलंबन पाता है। समूह दा एक कोलाइड विलयन पाता है। निस्यंदन छानने की प्रक्रिया देखिए। छानक पथ हो गया है, मुड़ा हुआ छानक पथ, छानक पथ का शंकु, इसके बाद छना हुआ द्रव हो गया, परखनली हो गई, कीप हो गई, कीप में छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव और कांच की छड़े मतलब अलग हो गई छानने के बाद। अब हम विलयनों, निलंबनों, कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है? विलयन क्या है आखिर? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है विलयन। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या फिर गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु, गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक की कण समान रूप से वितरित होते हैं। किसी विलयन को दो भागों में यानी कि ब्लैक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे हम लोग ब्लैक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रयाग कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुला होता है, उसे हम लोग विलय कहते हैं। यानी कि जिस जो घुला होता है उसे विलय कहते हैं और जिसमें घुलता है वह विलायक होता है, ठीक है। इसे भी देख लीजिए, मिश्र धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण इसमें देखने को आपको मिलता है। इसके उदाहरण देख लीजिए कुछ। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। किसका? इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। यानी कम मात्रा में जो है उसे विलेय कह देते हैं और अधिक मात्रा में जो है उसे विलायक कह देते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं चीनी कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में रहता है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं आप लोग, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन
यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को हम लोग वायु का विलायक कहा जाता है और वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, इसे विलेय कहते हैं। सीधा सा याद रखना है आपको, जो कम मात्रा में होगी उसे विलेय कहेंगे और अधिक मात्रा में जिसमें मिल रहा होगा उसे विलायक कह देंगे, ठीक है। फिर आपके विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन विलयन के कण व्यास में 1 nm 10^-9 m से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होते हैं। विलयन की सांद्रता की अगर हम लोग बात करें तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद, संतृप्त, घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। अब इसे क्रियाकलाप 2.3 द्वारा समझते हैं हम लोग। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5°C ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ जो विलेय पदार्थ होता है नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपयुक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न 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 होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान और अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली आपकी द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें बराबर होता है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। द्रव्यमान या फिर विलयन के आयतन प्रतिशत में तो बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100, ठीक है। फिर विलयन के आयतन 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 प्रतिशत, तो विलेय का आयतन इनटू अपॉन विलयन का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100, ठीक है। उदाहरण ले लीजिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण द्वारा। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक यानी जल का द्रव्यमान होता है 300, यहाँ कितना है 320 ग्राम। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया टोटल मिलाकर 360। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें निकालेंगे कैसे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान
और विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो यहाँ देखा है 40 विलेय पदार्थ का द्रव्यमान था और विलयन का कितना था, 360 इंटू 100 बराबर कितना निकल आया आपका, 11.1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं सांद्रता का, विलयन की सांद्रता का परिकलन। अब बात करते हैं निलंबन क्या है आपके। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 7 के द्वारा पाया गया विस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। किसे? आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म की बात करें तो एक विस्मांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का विकिरण रुक जाता है। अब देखते हैं कोलाइडल विलयन क्या है आखिर। क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या फिर कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विस्मांगी मिश्रण है जैसे दूध आपका। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि ये जो भी विज्ञान बुक्स हैं अभी तक आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, पॉलिटी पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो बड़ी सरल लगती हैं और मजा आता है हमें पढ़ने में। लेकिन जो साइंस की बुक्स हैं ये हमें बड़े बोरिंग करती हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते प्रयोगशाला में बैठकर तो ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग लगती, मजा आता। लेकिन इनमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा कोई हमारे पास विकल्प भी नहीं है, तो हमें पढ़ना जरूरी है। तो किसी भी तरह से आप लोग एडजस्ट करिए और पढ़िए। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं। देखिए इसमें चित्र 2.3 कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ये आपका इसमें है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। याद रखिए कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती हैं वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड्स के समान सामान्य उदाहरण देख लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। द्रव गैस एरोसोल इसके उदाहरण है, कोहरा बादल कुहासा। परिक्षिप्त प्रावस्थाएं याद रखिए, परिक्षेपण माध्यम प्रकार है इसके उदाहरण। ठोस गैसेस में एरोसोल उदाहरण है, धुआं स्वचालित वाहन का निधान। गैस द्रव फॉर्म शेविंग क्रीम, द्रव द्रव इमल्सन दूध फ्रेश क्रीम, ठोस द्रव सॉल्ट मैग्नीशिया मिल्क कीचड़, गैस ठोस फॉर्म रबड़ स्पंज फ्यूमिस, ये सभी उदाहरण हैं। द्रव ठोस जेल, जेल के बाद जेल जेली पनीर मक्खन, ठोस 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 सॉल्ट रंगीन रत्न पत्थर दुधिया कांच, इसके उदाहरण हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं टिंडन प्रभाव दिख रहा होगा, ये है देखिए टिंडन प्रभाव। बात करते हैं कोलाइड के गुणधर्म की।
यह एक विस्मांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब एक कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा इन्हें पृथक भी किया जा सकता है। छानने से इन्हें हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपकेंद्रीकरण केंद्रीकरण तकनीक द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में होता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहती है उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हम लोगों ने सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए थे देख लिया है। अब बात करते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि पर्याप्त प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम होता है। सीधा सा पृथक करने का यानी कि अलग करने का इतना ही इसका उद्देश्य होता है कि आप जान सकें, जैसे आपको पता चल सके कि पानी में क्या क्या मिला हुआ है, घी में क्या क्या है। इस तरह से अलग करके उनके बारे में सब कणों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। विस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा गेहूं में से पत्थर निकालते हैं आप लोग, आटा में आटा छानते हैं, इस तरह से रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया कर सकते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 2.4 देखिए। आधा बीकर जल ले, बीकर के मुख पर वाच गिलास रखें, कुछ बूंदे स्याही वाच गिलास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच गिलास से बाष्पीकरण हो रहा है। बाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब वाच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता तब हम उसे गर्म करना बंद कर दें। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। देखिए बाष्पीकरण, ये जल रहे, नीचे आग जल रही है, बीकर हो गया, वाच गिलास हो गया ऊपर, स्याही और बाष्प, इस तरह से स्याही को अलग कर सकते हैं। अब उत्तर दें, आपके विचार में वाच गिलास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ है? जल का। क्या वाच गिलास पर कोई अवशेष बचा है? स्याही। आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या फिर मिश्रण? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण यानी कि फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पोली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 देखिए आप लोग। एक परखली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। मथनी वही बात की जा रही है जिससे आप लोग क्रीम निकालते हैं यानी कि घी निकालते हैं दही में से। यदि नजदीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को कैसे दूध से पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं।
अनुपयोग, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में इसका प्रयोग होता है, डेयरी व घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए। अब बात करते हैं आगे, दो आगोलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं 2.6। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल हो या फिर डीजल आपका जो भी है, ये जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है, अलग अलग रहते हैं दोनों। तो इन्हें किस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं? मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक परतें तैयार हो जाती हैं। पृथक्करण कीप के स्टॉप कार्ड को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकालें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप करके बंद करें। एक बात आप लोग जानते हैं, आगोलनशील द्रवों का पृथक्करण स्टॉप कॉक है, ये जल हो गया मिट्टी का तेल पृथक्करण। जब आप लोग किसी भी में डालिए, जैसे तेल आप लोग डालिए, चाहे आप लोग नाली में मच्छर मारने के लिए बात करते हैं, फिर चाहे आप किसी टब में तेल डालिए, तो तेल ऊपर रह जाता है हमेशा और पानी नीचे बैठ जाता है। तो नीचे के पानी को अलग कर दीजिए, ऊपर का जल, ऊपर का जो मिट्टी का तेल है, अभी जो भी तेल है आपका, पृथक कर सकते हैं इस तरह से आप लोग, ठीक है। अनुपयोग की बात करें इसकी, तो तेल तथा जल के आगोलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका प्रयोग होता है। धातु शोधन के द्वारा लोहे को पृथक करने में, इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब बात करते हैं नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक, यानी कि कैसे अलग कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने के वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थालीन, एंथासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। इसे देखिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण करना। चीनी मिट्टी की प्याली, कपूर तथा नमक का मिश्रण ये भरा हुआ है। कपूर की वाष्प, जलेगा तो बात बनेगा। ठोसीकृत कपूर, उल्टी रखी कीप और रुई का तले। अब बात करते हैं क्रिया, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7 द्वारा इसे भी समझते हैं। छानक पत्ती की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की कुछ की एक बूंद लें, इसे सूखने दें। जार, बीकर या फिर परख नली में जल लें और उसमें छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जब छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को करें। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। स्याही का निशान है पेंसिल से खींची रेखा, छानक रेखा। जल, स्याही का निशान, छानक पत्र, जार, कागज की क्लब और कांच की छड़। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्रयाग डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो सकता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा।
यह एक विधि ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकों का प्रयोग विकास हुआ है जिसके बारे में आप उच्च कक्षा यानी कि आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुपयोग की बात करें तो डाई में रंगों को पृथक करने में इसका उपयोग होता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में होता है, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं हम लोग। 2.8 आप क्रियाकलाप देखिए। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं, उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें, दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक करें। इस तरह से एक क्लैंप हो गया, आसवन फ्लैप, जल तथा एसीटोन का विलयन हो गया, मिला होगा, थर्मामीटर हो गया, ये आप देख रहे हैं कि जल निर्गत क्लैंप हो गए, जल संघनक शीतल जल निवेश और एसीटोन नीचे आपका, इस तरह से एसीटोन अलग हो जाता है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन बाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर सघन संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है, जल आसवन फ्लास्क में शेष रह सकता है। अब उत्तर दे सकते हैं आप लोग, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों में क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथककरण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथककरण, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है, एक गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे, प्रभाजी आसवन क्लैंप हो गया, प्रभाजी कॉलम, आसवन फ्लास्क, मिश्रण हो गया, कॉर्क, कॉर्क, थर्मामीटर, जल निर्गत, जल संघनक, शीतल जल निवेश, शुद्ध द्रव घटक हो गया, इस तरह से अलग करते हैं इसे। अब बात करते हैं वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वायु से गैसों को कैसे अलग कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 यानी कि 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। देखिए, वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना, द्रवीय वायु प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथककरण। फिर आप नीचे आइए, इस तरह से क्वथनांक 0°C, ऑक्सीजन -183°, ऑर्गन 186, नाइट्रोजन 196 क्वथनांक के लिए। वायु प्रतिशत की बात करें हम लोग तो ऑक्सीजन आपकी 20.9%, ऑर्गन 0.9% और नाइट्रोजन 78.1%। ये आपके वायु में जो सभी मिश्रणों का बात की जा रही, 20.9% लगभग आपकी 21% ऑक्सीजन होती है, 0.9% ऑर्गन हो गई, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा हो गई 78.1%। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाव चित्र है। वायु के घटकों का पृथककरण इसे भी देख लीजिए आप लोग। छानक वायु निवेश, दबाव में वायु, गर्म वायु, इस तरह से जमा हुआ शीतल जल निवेश, यहां से जा रहा है ऊपर जल निर्गत, शीतल संपीड़ित वायु जा रही, पृथक करने वाली शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत यहां निकल रही है,
फ्रेया से द्रवीय वायु विस्तारक जेट, नाइट्रोजन निर्गत ऑर्गन निर्गत प्रभा जी आसवन कॉलम, ये आपकी द्रवीय ऑक्सीजन है। और यहाँ से आपकी नाइट्रोजन अलग हो रही, ऑर्गन निर्गत अलग हो रही, यहाँ जाकर आपकी ऑक्सीजन दिख रही है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों का को पृथक करना होगा। तरफ वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रव में गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र इसमें आप लोगों ने देख लिया है 2.12 में दर्शाया गया है। किसी अशुद्ध नमूने से में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं, इसे भी देख लीजिए क्रियाकलाप द्वारा। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल को न्यूनतम मात्रा में से घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कर लें। जलघर में जल शुद्धि इसी तरह से होती है। जल भंडार हो गया, यहां से तलहट टैंक ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के नीचे बैठने के लिए बाहर टैंक हो गया। इसमें आपका आता है छानक टैंक है, जल हो गया, बारीक बालू हो गई है, कंकड़ हो गए नीचे और मोटे कंकड़ आपके बिल्कुल नीचे। यहाँ बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण यहाँ विधि अपनाई गई। इस तरह से घरों को आपके शुद्ध जल मिलता है। यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है, यहाँ जाकर आपकी खत्म होती है। विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या फिर कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घुलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं आपकी। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। इसका अनुपयोग यानी कि उपयोग कहाँ होता है, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने में से फिटकरी को पृथक करने में उपयोग कर सकते हैं इसका। इस प्रकार मिश्रण को की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 13.2.13 में देख लिया है हम लोगों ने। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। क्या कहते हैं, भौतिक गुण। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर देखा जाता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है,
जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? जो बचता है आपने देखा होगा वो भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन आप लोग देखते ही हैं। वायु में जलना, ऑक्सीजन की जरूरत, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी याद रखिए जलना। अगर किसी को रोकना है आपको तो वहां ऑक्सीजन की कमी कर दीजिए, अपने आप आग बुझ जाएगी आपकी। अब बात करते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थों का कि क्या विकार है। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या फिर यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व, रॉबर्ट वायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि और सरल नहीं कर सकते उसे। तत्वों को साधारण धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये धातुएं पर्याप्त दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीले होती हैं। ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की भी होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनके तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। ये अगात वर्ण होती हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। इनमें आपका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा याद रखिए धातु है लेकिन ये कमरे के तापमान पर द्रव में होता है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से पर्याप्त कुछ या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं अधातुएं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली और प्रतिध्वनि पूर्ण और अघात वर्ध नहीं होती हैं। इनमें आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोलकॉप, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी अधातुएं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादि, ये सभी उपधातु के उदाहरण हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिक तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहते हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी कि 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेते हैं। इन पॉइंटों को याद रख सकते हैं आप। यौगिक, एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 द्वारा इसे देख लेते हैं। कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें। दोनों समूह में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली मिले। समूह एक, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह दो, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह एक और दो, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें और सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें।
प्राप्त सामग्रियों के एक भाग में कार्बन सल्फर डाइड मिश्रण मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं और तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हें प्रयोगशाला नहीं जमानी है, ना ही आपको क्रियाकलाप करते बैठ जाने। आपको पढ़ना है और निकल जाना है, दिमाग से पढ़ना है और निकल जाना है, समझ में आए या ना आए। एक से दो बार पढ़ोगे आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रयोगशाला में बैठकर इसका प्रयोग करते रहें। ठीक है। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है या रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील है, इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह दो द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है या रंगहीन गैस है, इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने कई बार सुना है हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसी होती है, सड़े हुए अंडे जैसी। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुण को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह ए की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ है, जबकि समूह सेकेंड की जो क्रिया हुई, इसमें आप लोगों ने देखा है कि इसमें रासायनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थों की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। मिश्रण तथा यौगिक, ये आपका मिश्रण हो गया, ये यौगिक हो गया। तत्व या फिर यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण में यौगिक की बात करें तो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसमें यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। पदार्थ ठोस द्रव गैस शुद्ध पदार्थ मिश्रण तत्व सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं तत्व। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्सीजन लोहा हाइड्रोजन पारा। यौगिक नियत संगठक रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल मैथेन मीथेन चीनी नमक। मिश्रण की बात करें तो कोई नियत संगठन नहीं है, समांगी समान संगठन। उदाहरण के लिए जल में चीनी जल में नमक कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जल तथा एल्कोहल आदि। विषमांगी आस समान संगठन। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक चीनी तथा नमक लकड़ी रक्त तेल में जल आदि। तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में, उसे देख लीजिए। इसमें जितना ही बोरिंग है आपको, लेकिन इसमें एक अच्छा कुछ भी कह लीजिए कि निष्कर्ष दे दिया जाता है, यानी कि इस अध्याय को पढ़ने का आपका निष्कर्ष क्या निकलता है बाद में आपको बता दिया जाता है, इसलिए सरल भी है। इसमें क्या सीखा है आपने, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों के में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयवों को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में आघूलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, जिनके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये विकास का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है।
विलयन कणों का परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है। विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, तत्व पदार्थों का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सभी पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्तर अनुपात में तो रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होते हैं। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर और इसकी पीडीएफ आप याद रखिए टेलीग्राम पर डाल दी गई है। अभी तक जितनी भी एनसीईआरटी आपकी खत्म हुई है सभी डाल दी गई है। ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए इन्हें देख सकते हैं। देखिए बोरिंग है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मैं भी मानता हूं कि ये बोरिंग है, इसमें कोई शक नहीं है दोरा, ये बोरिंग नहीं है, लेकिन इसका कोई विकल्प भी तो नहीं है हमारे पास। चलिए अगले हम लोग चैप्टर में बात करेंगे, तीसरे चैप्टर में परमाणु एवं अणु के बारे में जानेंगे।